नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में 52 दिनों से जारी हिंसा को लेकर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। यह मीटिंग 3 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने मणिपुर को लेकर अपनी 8 मांगे रखी है। पार्टी ने मांग की है कि पीएम इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े और राज्य के सीएम को तुरंत बदला जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मीटिंग में पार्टी की ओर से शामिल हुए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 7 मिनट दिए गए। उन्होंने 5 मिनट का समय और मांगा, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली। ओकराम इबोबी 15 साल तक राज्य के सीएम रहे हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मीटिंग को औपचारिकता बताया और यह मांग रखी कि दोनों नेशनल हाईवे को खुला रखा जाए और लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और रोजगार का नया पैकेज घोषित किया जाए। जयराम रमेश ने कहा कि जब तक बीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक राज्य में शांति नहीं होगी। उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आप सांसद संजय सिंह, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, एनसीपी महासचिव नरेंद्र वर्मा, मणिपुर के एनसीपी चीफ सारेन इबोयाम और सीपीआई के सांसद जॉन ब्रिट्रास समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे थे। मणिपुर में शनिवार को राज्य सरकार के मंत्री एल सुसिंद्रो के घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया। उनके निजी गोदाम और वहां खड़ी 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और मंत्री के घर में घुसने की कोशिश कर भीड़ को भगाया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।